मेरा नाम है नास काजी और मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ और मेरी कंपनी का नाम है नास काजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। मूवी बनाने का जो मेरा डिसीजन है तो वो डिसीजन का जो मुझे कॉन्फिडेंस आया है, जैसे मैं एक बार फिर मैं अपने मेरे कॉन्फिडेंस की जो वजह है जिसके ज़रिए मैंने इंडस्ट्री का बहुत कुछ जाना है, समझा है, एक्सपीरियंस लिया है और उसके बाद मैंने एज अ प्रोड्यूसर होना बहुत बड़ा एक रिस्क भी बोल सकते हैं, एक बहुत बड़े कॉन्फिडेंस की भी बात बोल सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंस मुझे जिस शख्स की वजह से आया है वो मेरे एक बहुत ही बेस्ट वेल विशर्स है, डायरेक्टर अज़हर हुसैन सर, जिन्होंने हर कदम पे मुझे सपोर्ट किया है, जिनके ज़रिए मैंने बहुत सारा नॉलेज लिया है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लिया है, तो उनके साथ की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और मैं अपने सर सुनील सर और अपनी फ्रेंड ईशानी पाल शर्मा का भी शुक्रगुजार करती हूँ, उन्होंने हर कदम पे मेरा बहुत साथ दिए। ये मेरी फीचर फिल्म, ये मेरी फर्स्ट मूवी है जी। कश्मीरी, जैसे कि मैंने अभी इंटरव्यू में फिर बताया कि लास्ट प्रोजेक्ट के लिए जब मैं स्विट्ज़रलैंड गई थी, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि असली जन्नत तो कश्मीर है, तो मुझे थोड़ा क्लिक हुआ कि मैं अपना घर छोड़ के बाहर क्यों जा रही हूँ। लेकिन बचपन से जो हमारे जहन में जो चीज़ें बिठाई गई है, यहाँ कश्मीर बोले तो एक अलग छवि आ जाती है जहन में कि मारपीट, मिलिट्री मिलिटेंट, ब्लास्ट, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन एज अ फिल्म मेकर हमें हर प्रोजेक्ट के लिए कुछ नया चाहिए होता है, कुछ अलग चाहिए होता है, जो कि आज की जनरेशन को चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर कुछ टाइम, तब मेरा बिल्कुल मन नहीं था यहाँ फिल्म बनाने का, लेकिन यहाँ एक महीना रुकने के बाद जब मैंने लोगों के बीच में रही, उनको सुना, उनको समझा, उनको जाना, सबसे अच्छे यहाँ के लोगों की नीयत बहुत साफ़ है और जिनकी नीयत साफ़ होती है उनके साथ काम करने से कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है, ये मेरा अपना मानना है। तो मैंने, अल्लाह पाक ने इनकी रोज़ी का ज़रिया मुझे बनाया और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट को 100% पूरा कम्प्लीटली कश्मीर में शूट कर रही हूँ, जिसमें क्रू 70% क्रू कश्मीर का ही होगा। और इन सब चीज़ों के लिए मुझे कश्मीर गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत रिस्पेक्ट किया है, मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ जी। इस मूवी में आपको सुनील शेट्टी सर, जरीन खान, जेनिफर विंगेट, तरुण विजवानी और नेटफ्लिक्स के बहुत ही दिग्गज कलाकार अली खान सर है, रजा मुराद सर, अरुण बख्शी है, बहुत सारे एक्टर हैं इसमें। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं लॉरेंस डिसोजा सर।